Welcome to the Kamle 24/7. I am Govind Nido, brings you a breaking news. Kamle District Christian Forum KDCF solidarity support to Arunachal Christian Forum on Tawang Church issue here at Kamle District Headquarters Raga, and here's the report. सर आज का जो रैली पीसफुल रैली जो है तो उसका बारे में बताइए कि आप लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड है क्या क्या है और कैसे कैसे रहा आप लोग का ये रैली जो है इसका बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू कैमले मीडिया। आज की प्रोग्राम जो है एक्चुअली हमारा एशियफ इन्होंने सारे हर डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने आदेश दिया था। इनका अनुसार हमारा कैमले डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम ने ऑर्गेनाइज किया। आज के जो प्रोग्राम है पीसफुल रैली बहुत सक्सेसफुल हुआ। हाँ, हमारे लोग बहुत कोने कोने से नहीं पहुंच सका। दापो मिशन पील से, दलुमुख से और कुमपुरी जो 1-2 से सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाया ड्यू टू हैवी रेन और ब्लॉक कट की वजह से। आज के मेन मकसद यही था कि हमारे जो तवांग चर्च है जो गवर्नमेंट का 3 मेंबर जो डिसीजन दिया उसको जैसे भी रेगुलराइज कर देना है, बल्कि हमारा मेन मुद्दा ये था। और इसका बाद जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कमला डिस्ट्रिक्ट का 6 अप्रैल को 2022 को उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, प्रोहिबिशन ऑर्डर एक जारी किया। वो ऑर्डर जो है हमारे यहाँ क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ने एक क्रूशियल ऑर्गेनाइज किया था, उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन ने शायद उसका खिलाफ कंप्लेन किया, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका कंप्लेंट का ऊपर ये करके एक वो ऑर्डर जारी किया। तो इससे मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डीसी को यही अपील करूंगा कि वो ऑर्डर को इसको जैसे भी रिकंसीडर करना है। और इसमें स्पेसिफाई मेंशन किया है कि फेस्टिवल मना सकता है, तो फेस्टिवल मनाने से कौन कौन ये फेस्टिवल हो सकता है, क्योंकि हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी में हमारा जो गुड फ्राइडे और ये क्रिसमस ये भी हमारा फेस्टिवल है, तो इसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी को, वो ऑर्डर को जैसे भी उसको दोबारा फिर जारी करे कि हम लोग हम सबको एकत्रित होके एक अच्छा एक लाइन में ले जाना है। और वो ऑर्डर को जैसे भी कैंसिल करना है, वो ऑर्डर को कैंसिल नहीं करके और ये हमारा जो तवांग चर्च को अभी जो रेगुलराइज नहीं करने से हम लोगों का जो ये पीसफुल रैली ये आज अंत नहीं है। और वो फ्यूचर में भी अगर उसको हम लोग का जो मांग को पूरा नहीं करेगा तो हम लोग पारदार डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। मेरा नाम तप तपुक है, एक्स जिला परिषद मेंबर फ्रॉम कंपुरी जो। तो मैं कमले मीडिया को वेलकम करता है और धन्यवाद देता है। आज जो हम लोग रैली पीसफुल रैली प्रोटेस्ट किया है ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम वहाँ से हम लोग को आदेश किया सेलिब्रेट करने के लिए और पीसफुल रैली कंडक्ट करने के लिए। उसी का हिसाब से कमले क्रिश्चियन फोरम डिस्ट्रिक्ट का ये लोग ऑर्गेनाइज किया, हम लोग सब पार्टिसिपेट किया, अलग अलग चर्च से हर चर्च से हम लोग यहाँ पार्टिसिपेट किया। मौसम ख़राब का वजह से कोई आ नहीं पाया है। तो मेन उद्देश्य था तवांग में ऑलरेडी 1999 से चर्च चल रहा था। उसका बाद 2004 में भी डीसी तवांग लैंड अलॉटमेंट के लिए वहाँ का डीएलआर और डीसी लोग बोर्ड बनाकर अप्रूवल देकर डायरेक्टर में भेज चुका था। चर्च अच्छा से चल रहा था, लेकिन अभी चर्च को बनाने नहीं देगा बोलने का कारण से हम सभी मसीह में जो है क्रिश्चियन लोग वो दुख लगा। इस दुख को सरकार को जानने के लिए हम
अपना सेंटीमेंट को पूरा अरुणाचल प्रदेश का क्रिश्चियन लोग सरकार को हम लोग को ऐसे ना करे, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये रिलीजियस है, शांति के लिए सब कुछ। उधर जो भी जाएगा तवांग में, भले नौकरी करने वाला हो या बिजनेस करने वाला हो, टूरिस्ट हो, जो अपना विश्वास लोग को उधर शांति पीस के लिए चर्च बनाएगा बोला, इसको बनाने नहीं देगा बोलने का कारण से हम लोग बहुत दुखी है, पूरा अरुणाचल का क्रिश्चियन लोग दुखी है। इसी का मेन मकसद था। और उसका साथ साथ थ्री पॉइंट मेंबर्स बनाकर उन्होंने भेजा है, तो इसमें भी हम लोग को उनका थ्री मेंबर्स कमिटी का रिपोर्ट जो है हम लोग को सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उन लोग का मेंबर का रिपोर्ट का अनुसार तो वो गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो एडॉप्ट किया है उसी को ही बताया है। हमारा चर्च बन गया 1999 और ये अमेंड किया है 2010 को लगा के हम लोग को, वही सिर्फ कहानी सुनाया है। और तवांग चर्च जो है उस एक्ट का अनुसार नहीं गिरता है सच बोला जाने से, क्योंकि उस एक्ट का हिसाब से तो पब्लिक स्ट्रेट में नहीं होना है, पार्क में नहीं होना है, रास्ता में नहीं होना है। वो चर्च तो ऐसे नहीं है, तो आराम से चर्च चल रहा है। इसको हम लोग को सरकार हेंड्रेस नहीं देने से अच्छा है, उसको रेगुलराइज कर देने से अच्छा है बोल के ये है हम लोग का पीसफुल रैली, प्यार से हम लोग मांग रहा है। तो आपकी ओर से राज्य सरकार को आप क्या करके अनुरोध करना चाहोगे? कल को अगर सरकार नहीं मानेगा हम लोग का डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलते रहेगा। और दूसरा जो है हम कमले डिस्ट्रिक्ट का ओर से कमले डिस्ट्रिक्ट उस दिन में एक नोटिस जारी किया बोला है डीसी साहब ने ना, तो इस फील्ड में क्रूसेड वगैरह या उसका ये नहीं कर सकता है बोल के एक नोटिस जारी किया बोला है। इस पर हम लोग का क्रिश्चियन कम्युनिटी से हम लोग से राय नहीं लिया गया है, ओपिनियन नहीं लिया गया है, इसलिए इस फील के लिए भी हम लोग दुख है। इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर को हम लोग का अनुरोध अपील ये है कि वो उस ऑर्डर को रिवोक करे, और किस मकसद में इस फील्ड को यूज़ करना है और हम लोग इसमें राइट बनता है ना नहीं बनता है, हम लोग को अच्छा से बैठ कर डिस्कशन करके इस फील्ड को चलाए ताकि हमको भी संतुष्ट हो। थैंक यू सर।